तीनों नेता जो हैं वो काफी अपनी अपनी बात रखकर फिलहाल यहाँ बैठ चुके हैं, लेकिन जोश जो है वो कम नहीं हुआ है। अब सवाल फिर मेरा आपसे है, और इस बार सवाल पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप अपनी बात रखते हैं, मेरा सवाल गायब कर देते हैं। सवाल ये है कि अगर कूड़ा एक बड़ा सवाल है तो प्रदूषण सवाल क्यों नहीं है? सवाल ये है कि अगर आप कहते हैं कि देखिए वसूली बंद होगी, तो बीजेपी पूछती है कि शराब घोटाला क्यों हुआ, तिहाड़ में उगाही क्यों हुई, सत्येंद्र जैन का हवाला घोटा, इन्हीं का ट्वीट है जो आपके ट्वीट के ऊपर डाला था इन्होंने, बस घोटाला क्यों हुआ? सवाल पूछ लेता हूं मैं, पराली से दिल्ली गैस चैंबर क्यों बनी, अस्पतालों कहते हैं शून्य बना, कॉलेज शून्य बना और पानी की कमी है, तो ये 10 उपलब्धियां आप पर जो आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों कैसे काउंटर करेंगे, उनकी कमी हम उनसे पूछ लेंगे। एक ना कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये नहीं बताएंगे कूड़े का पहाड़ क्यों हो गया, इतनी गंदगी क्यों हो गई, 15 साल के अंदर में कूड़ा कूड़ा क्यों हो गया, आज दिल्ली के प्रदूषण है और प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके नेता ने कहा था कि आपके नेता ने कहा था कि अगर हमारी सरकार पंजाब में बनती है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, केमिकल है, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। 6 महीना प्रदूषण दिख रहा है, सुनिए 6 महीना पहले पंजाब में सरकार बनी है, उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है, राजस्थान में भी पॉल्यूशन है, बिहार के बेतिया तक में पॉल्यूशन है। अच्छा, कोई ऐसा काम जो आप ना करें? सुनिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि इस पे पहल करे, सभी राज्यों को एक टेबल पे बिठाए और इस पे चर्चा करे और समाधान करे। हवा जो है केवल दिल्ली में थोड़ी फैल जा रही। कुमार कुणाल, देखिए आप तो यहाँ के स्थानीय पत्रकार है, आप लगातार कवर करते हैं, क्या वादे किए गए थे, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात को जो आपने सुना भी लगातार, ये टोपी ट्रांसफर का खेल है। आप उनसे पूछेंगे कूड़ा क्यों नहीं क्यों है तो वो कहेंगे प्रदूषण है, इनसे पूछेंगे प्रदूषण क्यों है तो वो कहेंगे कूड़ा है। यहाँ दिक्कत क्या है कि दिल्ली में इतनी सारी एजेंसीज है जिसमें एक एमसीडी भी है, धप्पा मार दे रहे हैं। मुश्किल है कि आप चोर रास्ते से निकल करके, पिछले रास्ते से निकल करके सबके पास रास्ता है। बिजेंदर जी 2007 में जिस समय पहली बार बीजेपी सत्ता में आई थी एमसीडी में, उस समय पार्षद थे, अब विधायक है, दो बार से उन्हें दोनों दर्द पता है, विधायक का क्या है पार्षद का क्या है, लेकिन वो रास्ता बदल देते हैं। जब विधायकी पर सवाल पूछा जाएगा तो पंडर जी, देखिए आपका तो प्रमोशन हो गया, आप पार्षद से बन गए विधायक, जनता पूछ रही कि हमारा प्रमोशन कब होगा। अभी बाहर बात कर रहा था मैं, रेहड़ी वाले कह रहे थे कि यहाँ चमका दिया गया है, लेकिन साफ सफाई के नाम पर उन्हें परेशान किया था है। आपके लोग आते हैं उन्हें भागना पड़ता है, तो चांदनी चौक तो रेहड़ी वालों की पहचान रही है। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि मैंने तो आपके हर सवाल का जवाब दिया है, मैंने आपको कूड़े का भी जवाब दिया, ढलाव बंद करे, रेहड़ी वालों क्यों परेशान? एक मिनट, इन्होंने पॉल्यूशन पर कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने सत्येंद्र जनता देख रही है शराब की नीति वापस क्यों ली, इस पर कोई जवाब नहीं दिया, ये जवाब नहीं दे रहे। मैं कुणाल भाई को बताना चाहता हूँ, आप जनता देख रही है, मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया है, पूरा जवाब दिया है, और कूड़े के मामले में दिल्ली के अंदर जो बदलाव आया है, आज ये झूठ बोल करके लोगों, देखो आप बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने नहीं दे रहे। अरे सुन लेते हैं। हाँ, इनको शायद झूठ के अलावा कुछ आता नहीं है। एक सवाल मैंने ही पूछा था रेहड़ी पटरी वालों का, देखिए अब कूड़ा जो है घरों से लिया जाता है, लोगों के डोर स्टेप से कूड़ा उठा के टॉयलेट में गया था, यमुना में झाग वाला पानी देखा था आपने? यमुना के लिए, यमुना की सफाई पर भी मुख्यमंत्री जी सीरियस हैं, और 2025 तक के पुराने 15 में बयान, 15 में जब कहा गया था, 15 में 70 पॉइंट एजेंडा आया था। एक मिनट रुकिए, सुन तो लीजिए। 2015 में जब आया था इनका 70 पॉइंट एजेंडा, तो उसमें भी कहा गया था कि यमुना को साफ कर देंगे 2020 तक, 2020 में वो डेडलाइन बढ़ा के 2025 कर दी गई। दिक्कत यही है कि चाहे वो आप, यही आरोप लग रहे हैं कि आप लोग टोपी पहना देते हैं। ये चुनाव साफ सफाई का है, आपने क्या किया, जनता आपको वोट क्यों का है, आपको वोट क्यों दे? केजरीवाल प्रदूषण का, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली, पानी, अस्पताल, ये सारा है केजरीवाल मॉडल। लोग कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री खुद बाहर इलाज करवा। अच्छा, मेलिना ट्रम्प क्या देखने आई थी बताइए, कोफी अनान क्या देखने आए थे? इन्होंने कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं तो कहूँगी चोर मुसेरे भाई, दोनों लूट रहे दिल्ली को और काम के नाम पे जीरो है। कूड़े का अगर देखिए, मैं सलूशन देती हूँ आपको। देखिए, जब शीला जी थी उन्होंने क्या किया, पहाड़ तब भी थे कूड़े के, उन्होंने अरे रुके, शीला जी चली गई, आप तो बेहतर थे अमित भी। देखिए, हमने क्या किया था, पहाड़ के ऊपर हमने ग्रीनरी की, प्लांटेशन की, जाके पोल्यूशन ना पहले, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस को जनता मौका क्यों दे, इसलिए करे आपका एजेंडा क्या? क्योंकि ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो सूरज का आता है जमुना में नहीं गिनने दिया, हमने सूरज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जी, बिल्कुल। अगर आप केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं तो बंद करिए बोलना। फिर आप निगम की बात करिएगा, अगर राजस्थान में नहीं है, यमुना भारत में है। सवाल ये है
कि इन्होंने केजरीवाल साहब की सरकार ने 10 साल से डायरेक्ट नालियों का पानी लोगों को पिलाया है, पाइपों में डायरेक्ट नाली का पानी आया है और मैं सबूत दिखा सकता हूँ इस चीज के। वो कह रहे नाले का पानी क्या दिल्ली में, केजरीवाल साहब ने बोला कि बीजेपी कूड़ा कर रहा था। अरे आप बोले हम साफ कर देंगे, आप कौन सा साफ किया, आप तो आपका डुबकी लगाइए, एक बार आपने आपको डुबकी लगाइए, एक बार हम तो दिल्ली में पानी साफ आता है, डुबकी से डुबकी आता है, साफ पानी आता है। सर मैं नागलोईश्वर में, नागलोई आपके घर आता है, मेरे घर तो नहीं आता साफ नहीं आता, मैं तो नहीं आता, नहीं मिलता चांदनी चौक में पानी साफ मिलता है, मैं चांदनी चौक में नहीं रहता, कभी कभार आता है साहब, देखिए यहाँ पर बहुत लोग कह रहे हैं कि पानी की समस्या है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो आपकी उपलब्धियां भी बहुत ज्यादा नहीं है, लोग कह रहे हैं खाली टीवी अखबारों में दिख रहा है, बड़े बड़े आर्टिकल छप रहे हैं, लेकिन देखिए पानी की प्रॉब्लम हो सकता है किसी एक आध गली में, कोई टेक्निकल इश्यू होगी, पर ये चुनाव नगर निगम का चुनाव है, कूड़े का चुनाव है, साफ सफाई का चुनाव है। ये आपका नारा क्या है? एमसीडी में भी केजरीवाल, केजरीवाल क्या मेयर बनेंगे, एमसीडी में भी केजरीवाल, आप लड़ते हैं केजरीवाल साहब के चेहरे पर और कहते हैं ये नहीं है, क्यों है, मतलब है प्राइमरी स्कूल गुजरात बैठे हैं, वो तो गुजरात में बैठे, केजरीवाल का मतलब है प्राइमरी तो गुजरात में होंगे, नगर निगम का कूड़ा साफ होगा, वो तो गुजरात सफाई होगी, गरीबों का, आपने क्या बोला चांदनी चौक में रेडी वाले से पैसे लेते हैं, आपने क्या बोला यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, हमने ये नहीं कहा पैसे लेते सर। अब फिर आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अपने साथ में पकड़ रखा है, गुजरात के साथ दिल्ली का चुनाव करवाया गया ताकि केजरीवाल बिजी रहे और आप लोग के लिए आसान, ये एक्चुअली में अर्बन नक्सल्स हैं, ये आधार क्या है? इनका काम है सारी समय, ये सुप्रीम कोर्ट पे भी आरोप लगाते हैं नक्सलवादी, ये तो बड़ा आरोप हो गया ना सर, आपने कहा ना इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन पे आरोप, इन्होंने कहा मशीनों में गड़बड़ कर ली, अब जब जीतते हैं, जब पंजाब में जीते जब तो नहीं कहा मशीनों में गड़बड़ है, ये पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं और देश में दंगे हो जाए और देश टुकड़े टुकड़े हो जाए, ये इनकी नीति है। दिल्ली में 7 सांसद आपके, दिल्ली में एमसीडी में आप, अब जनता पूछती है अगर दिल्ली फिर भी इतनी बेहाल है तो आप जिम्मेदारी कैसे भागे? मैं इतना कहूंगा कि दिल्ली की नगर निगम ने, इन्होंने नगर निगम को फाइनेंशियल वित्तीय रूप से पंगू बनाया, उसके बावजूद नगर निगम ने अच्छा काम करके दिखाया है दिल्ली के, देखे बोले आपने पैसा नहीं दिया, मेरी बात सुनिए, 2,00,000 करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा किया जिसमें से 1,00,000 करोड़ रुपया यानी 50% ऑफ द रेवेन्यू वर डायरेक्टली गिवन टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए मैं इतना कहूँ, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, ये बौखला गए हैं क्योंकि जब मैं सच बोलता हूँ, देखिए मैं सच बोलता हूँ तो बौखला करके बीच में टोकते हैं, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के अंदर डिस्पेंसरी, आज दिल्ली में नगर निगम की चल रही है, इन्होंने एक भी डिस्पेंसरी नहीं खोली दिल्ली के अंदर, एक भी डिस्पेंसरी। ये जो पूरा दोनों पार्टियां हैं खासतौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिनकी सत्ता है, उनके उनका जो है वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं दिया, ये इन्होंने कहा पैसा दिया, पैसा देना कितना था, 4th फाइनेंस कमीशन जो है उसके हिसाब से 18% इनको देना था, 12% मिलता है। दिक्कत क्या है कि ये जो चुनाव है वो उन दो पर नहीं है, ऑप्टिक्स है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल एक तरफ मोदी, और एक सेकंड भाई साहब इधर। बीते कुछ दिनों में एक सेकंड ये सवाल जनता से ही मेरे मन में है, बीते कुछ दिनों से एक होड़ बची हुई है कौन कितना बड़ा हिंदूवादी है, चांदनी चौक में 30% मुसलमान है जितना मेरी जानकारी है, तो आप लोग को लगता है कि ये कट्टर हिंदूवादी होना भी एक बड़ा अहम फैक्टर हो गया है? कट्टर हिंदूवादी होना सबसे गर्व की बात है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद वो सबसे ज्यादा पूरे विश्व पर हिंदुत्व की पहचान बनी है। और केजरीवाल जी सुनिए, केजरीवाल की 10 गारंटियों की बात कर रहे हैं, ये जो बच्चे बंदा अपने बच्चों की कसम खा के मुकर गया उसकी काय की गारंटी, और बार बार ये कहते हैं बंडी पहनी हुई है। अच्छा। इन्होंने क्या बंडी नहीं पहनी हुई इन्होंने? सर मेन मुद्दा है जो एमसीडी चुनाव में है, यूपी बिहार के लोग यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं, रेड़ी पटरी लगाते हैं, इतने परेशान है एमसीडी से, इनकी चलान काट देते हैं, पुलिस वाले मार मार के भगा देते हैं, पूरी पब्लिक परेशान है। कोई मुद्दा कुछ भी नहीं भाई साहब, आप तो आम आदमी, अब तो आप कई सवाल हो चुका है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा सर ये है, हम आम आदमी पार्टी जो ये फ्री का लालच दे रही है, हम वोट नहीं लेना चाहते। अभी मैं जम्मू कश्मीर से हूँ सर, मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, हमारे वहाँ भी केजरीवाल की सरकार फ्री का दे रही है, और इस बार एक भी पहले भी नहीं मिला, जो पहले भी हार चुके हैं वो आम आदमी पार्टी में गए हैं, इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी आएगी। देखिए वो भाई साहब दूर से आए थे, चांदनी चौक दुनिया से घूमने आते हैं, वो कह रहे थे कि आप लोगों ने
फ्री वाली रेवड़ी इस्तेमाल कर दिए, जहां जाते ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। इन नेताओं को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिले तो रेवड़ी नहीं है, जनता को 300 यूनिट दे दिया तो रेवड़ी है। मेरी बात सुनिए, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, हमारे केजरीवाल जी ने सबको बराबर कर दिया। आप अभी हिंदू हिंदू कर रहे थे, आपके नेता करते हिंदू हिंदू, हम नहीं कर रहे थे, आपके नेता मानिए। आप लोग कट्टर हिंदूवादी पार्टी, सुनिए सुनिए, कट्टर हिंदूवादी बात तो नहीं, आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे, क्या आम आदमी पार्टी कट्टर हिंदूवादी पार्टी है? आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, आम आदमी पार्टी कट्टर इंसानियत वाली पार्टी है। अब बात सुनिए, हमने कहा कि नोट पे भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए, भगवान लक्ष्मी और गणेश के आशीर्वाद से अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। कैसे ठीक हो, कैसे ठीक हो, कैसे ठीक हो? देखो ये भावना है, हम भगवान को मानते हैं, आप नहीं मानते? और आपके बीजेपी वाले कहते हैं गणेश जी का और लक्ष्मी जी का फोटो नहीं। अच्छा ठीक, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। आपके एक मंत्री थे जिनका इस्तीफा हो गया, वो कह रहे थे कि सारे हिंदुओं को हम बौद्ध बना देंगे। आपके गुजरात के जो अध्यक्ष है वो कह रहे थे कि मंदिर में जाते हैं वो लोग गलत काम करते हैं, तो फिर ये दोहरापन कैसे? ये चुनाव कूड़े का है। बात पलट दी आपने। ये बीजेपी वाले क्यों नहीं? बात पलट दी आपने। लक्ष्मी की तस्वीर, बात पलट दी आपने। भाई देखिए, मंत्री जी ने, आपके मंत्री ने सही कहा गलत? सुनो सुनो मेरी बात, गणेश जी धर्म के नाम पर इस्तीफा, रोजगार के नाम पर इस्तीफा नहीं। नेताजी ने कहा गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर नोट पे होनी चाहिए, बीजेपी वाले क्यों विरोध कर रहे हैं, इनसे पूछिए।